परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करूंगी हमारे चैनल स्कूप बीट्स पर और मैं हूं मनु साहू। अब बात हो रही है हुनर की, तो नवजोत सिंह सिद्धू की बहन सुमन तूर ने उनके हुनर गिनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाती जा रही है सुमन तूर, लेकिन इसको सुनकर ये कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसा सगा नहीं जिनको नवजोत पाजी ने ठगा नहीं। कितनी बार नवजोत सिंह सिद्धू पे ये आरोप लगाया गया है कि वो चाहे निजी जिंदगी हो चाहे राजनीतिक जिंदगी हो, दोनों में ही मतलबी और अड़ियल है। लेकिन चुनाव से पहले नवजोत की बहन सुमन ने एक ऐसी गुगली डाली है कि नवजोत सिंह सिद्धू की ये ठोकर राजनीति की धज्जियां उड़ गई हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की बहन सुमन तूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई थी, क्या रीजन थे कि उनकी बहन ने उन पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं, सुमन तूर कौन है, कहां रहती है और क्या रीजंस हैं कि ये सारे आरोप नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर लगाए गए हैं वो सही है। सुमन तूर है नवजोत की बहन जो कि उनसे 15 साल बड़ी है और वो एक NRI है। वो अमेरिका की न्यूयॉर्क में रहती है और उन्होंने इस समय नवजोत पर एक ऐसे आरोप लगा है जिसके बाद पूरी मीडिया हो या लीडर्स हो या उनके खुद के घर वाले हो, वो काफी परेशान हो गए हैं क्योंकि सुमन तूर ने मीडिया के आगे रो रो कर अपनी दास्तां बयां की है। उन्होंने मीडिया को बताया है कि किस तरीके से नवजोत ने अपनी मां को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से, मां को और बहनों को घर से भगा दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये दिन एक दिन जरूर आएगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सुमन तूर ने सिर्फ इस समय यानी कि इलेक्शन के समय ही क्यों नवजोत पर ये आरोप लगाए हैं। इसका भी जवाब हम आपको देंगे, लेकिन क्या आरोप लगाए हैं उस पर पहले बात करते हैं। 1986 में भगवंत सिंह यानी कि नवजोत के फादर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद सुमन ने बताया कि 1989 में सितंबर को दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर की मां की मृत्यु हो गई और लोगों ने उन्हें एक लावारिस औरत बताया। ये बताते बताते सुमन तूर की आंखें भर आई, लेकिन उसके बाद कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये बात सुनकर खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने भी कमेंट किया। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी। पहले तो उन्होंने कहा कि ये एक पर्सनल मैटर है, उस पर वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी बहन की शब्दों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जो इंसान अपने परिवार का ना हो सका वो भारत माता का क्या होगा या वो अपनी कंट्री के लिए क्या कर पाएगा। इसके बाद भी कई नेताओं ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही मतलबी तो साबित हुए ही है क्योंकि राहुल गांधी से मुख्यमंत्री के पद के लिए काफी बार गुजारिश भी की है, लेकिन राहुल गांधी ने उनको ये कहा कि जितने भी लीडर हैं उनके साथ वो बैठकर इस पे विचार विमर्श करेंगे कि क्या वो मुख्यमंत्री की पद के लिए सही है या नहीं है। तब राहुल गांधी ने कहा कि चन्नी के लिए भी बात चल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हो सकता है पंजाब इलेक्शन में मुख्यमंत्री का जो फेस होने वाला है वो चन्नी ही होंगे। मैं दावा तो नहीं कर रही हूं, लेकिन ये बात हमें एक रिपोर्ट के द्वारा पता चली है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू पर जो आरोप लग रहे हैं इससे पता चल रहा है कि वो एक माया जाल में फंसते जा रहे हैं। नवजोत सिंह को बताया जा रहा है कि सुमन तूर जब उनके घर पहुंची तब उनको अंदर नहीं आने दिया गया। सुमन तूर ने कॉन्फ्रेंस में यही भी कहा है कि उनको व्हाट्सएप भी किया गया, मतलब कि सुमन ने अपने भाई नवजोत को मैसेजेस भी किए कि भाई तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद नवजोत ने अपनी बहन सुमन तूर को ब्लॉक कर दिया। अब पहले की बात करते हैं, मैंने आपको एक सवाल बताया था कि ये मुद्दा चुनाव के समय क्यों उठ रहा है।
जब ये सवाल सुमन से पूछा गया तब उन्होंने जवाब में बोला कि मुझे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मैं अमेरिका से अमृतसर सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि नवजोत ने ये कहा है कि जब वो 2 साल के थे तब उनके माँ बाप अलग हो गए थे। इस बात पे अपनी राय देने उनकी बहन सुमंतूर इतनी दूर आई और इसको साबित करने के लिए कुछ प्रूफ भी लाई है, लेकिन उसी के साथ सुमंतूर अपने भाई नवजोत को चैलेंज कर रही है कि अगर ये बात गलत है तो वो उसे प्रूफ कर कर दिखाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बात पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन कब तक नवजोत कब तक इस बात पर कमेंट नहीं करेंगे। चलिए तो ये बात हो गई, अब बात करते हैं नवजोत की वाइफ के बारे में। नवजोत कौर ने ये कमेंट किया है कि वो सुमंतूर को नहीं जानती है क्योंकि उनके ससुर यानी कि भगवंत सिंह की 2 शादियां हुई थी और पहली शादी की बेटी जो कि सुमंतूर है। बताया जाता है कि नवजोत से 15 साल सिर्फ इसीलिए बड़ी है क्योंकि वो पहली वाइफ की बेटी है। सुमंतूर ने कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि उनको पैसे से लेना देना नहीं है। इस बात पर उन्होंने अपने बेटे की भी कसम खाई कि वो पैसे के लिए यहाँ पर नहीं आई है। उनका मानना यह है कि पैसे से बढ़कर उनके लिए उनकी माँ है, क्योंकि वो ये बात नहीं सहन कर पाई इसलिए वो अमृतसर आई। अपने भाई से मिलने की वो हर एक तमाम कोशिश वो कर रही है, लेकिन नवजोत अपने बिल में बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि सुमंतूर ने कॉन्फ्रेंस में जो फोटोज दिखाई हैं, उसमें वो साफ देखकर या हम सब उसे देखकर ये कह सकते हैं कि उस फोटो में नवजोत सिंह सिद्धू 2 साल के तो नहीं नजर आ रहे हैं। इसके बाद कई आरोप नवजोत पर लगे हैं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये बात सुनकर नवजोत सिंह के होश उड़ गए हैं। क्या पता राहुल गांधी इस बार उनको टिकट ना दे। इस बात का डर तो है नवजोत को, इस वजह से ही वो कैमरे के आगे नहीं आ रहे हैं। मीडिया उनसे सवाल कर रही है, या ऐसा हो सकता है कि नवजोत ने ये वीडियो ना देखी हो, पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने ये सारे आरोप शांति से सुने हैं क्योंकि इस समय इलेक्शन है। लेकिन सुमंतूर का ये कहना है कि क्यों नवजोत आगे आकर अपनी बात नहीं रख रहे हैं। लेकिन सुमंतूर ने ऐसी कई बातें कही हैं जो दिल में चुप सी रही हैं, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नवजोत के दोस्त हो, चाहे फैमिली वाले हो या राजनीति के लोग हो, सभी आज नवजोत सिंह सिद्धू पर उंगली उठा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू कैमरे के आगे आकर या मीडिया के आगे आकर अपनी बात को रखेंगे या अपने आप को डिफेंड करेंगे या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये साफ हो जाएगा कि जो नवजोत सिंह सिद्धू की ठोको राजनीति है वो उन्हीं पर भारी पड़ जाएगी। तो आगे इसका क्या अपडेट है या क्या होने वाला है हम आगे आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल स्कूप बीट्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देश दुनिया राजनीति खेल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल स्कूप बीट्स को फॉलो कर दीजिएगा। और मैं हूँ आपके साथ मनु साहू द स्कूप बीट्स .com।